फ्री की राजनीति से नाम बनाने वाले राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा से चर्चा में बने रहे हैं। उन्होंने फ्री की राजनीति से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई राज्यों में अपना नाम बनाया है। इसी तरह फिर से केजरीवाल लोगों के लिए एक नया ऑफर लेकर आए हैं, तो चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर लोगों के लिए एक नया मेक इंडिया नंबर वन का ऑफर लेकर आए हैं। आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में शुरुआत में सीएम ने पहले तिरंगा फहराया, फिर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने प्रोजेक्ट मेक इंडिया नंबर वन का ऐलान किया और कहा 130 करोड़ देशवासियों को साथ लाना है। केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा, मैं खुश हूँ, मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, वह करोड़ों देशवासियों का सपना है कि भारत अमीर बने, सर्वश्रेष्ठ बने। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में काफी गुस्सा भी है कि 75 सालों में क्या किया, ऐसे कई देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए लेकिन हमसे जल्दी आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गया था, जर्मनी, ये सभी देश हमसे आगे निकल गए हैं लेकिन हम पीछे रह गए। इसी बात का गुस्सा आम लोगों में आज भी है, हम कम हैं क्या? भारत के लोग दुनिया के बेस्ट लोग हैं, फिर भी हम पीछे रह गए। भगवान ने हमें सब दिया, तब भी हम पीछे क्यों? साथ ही आपको बता दें, सीएम ने देश को बदलने के लिए 5 मंत्र कहे। पहला, उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देनी होगी जिससे वे अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकाल सके। दूसरे में उन्होंने कहा कि हमें बच्चों, महिलाओं, पुरुष, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देना होगा, हमारे लिए एक एक जान कीमती है। तीसरे में उन्होंने कहा, हम आज के बेरोजगार एक एक युवा को रोजगार देंगे। चौथे में उन्होंने कहा कि महिला को बराबरी का सम्मान देना होगा। पांचवा और आखिरी, किसान को उसकी फसलों का सही दाम दिलाना होगा। गौरतलब है कि आज के समारोह में जो बातें सीएम ने कही वह पहले भी बयान में कई बार कह चुके हैं, वहीं एक बार फिर उन्हीं बयानों को दोबारा एक नया रूप मेक इंडिया नंबर वन के जरिए देना, इसमें कोई नई चीजें लेकर नहीं आना, क्या ये सही है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मीडिया दरबार। धन्यवाद।